हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमपी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा आपको पता है कि हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, और एक तरफ एमसीक्यू क्लासेस भी चल रही हैं। ये अपनी थ्योरी की सीरीज चल रही है और इसमें नॉर्थ सेट से रिलेटेड, अगर या नॉर्थ सेट या फिर किसी भी नर्सिंग से रिलेटेड एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इसको कंटिन्यू देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे हैं तो आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज ये सीरीज चल रही है। अभी हमने पीछे जो कंप्लीट किया है वो एंडोक्राइन सिस्टम वाला वीडियो कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद यूरिनरी सिस्टम वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया था। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो वीडियो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। यानी कि अब हम कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। आज के वीडियो में देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग आती है हमारे सामने वो है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी होती क्या है? द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद मेल इनफर्टिलिटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन कॉल्ड एंड्रोलॉजी। एंड्रो का मतलब होता है मेस्कुलाइन, यानी कि एंड्रो एंड्रोलॉजी जो शब्द है इसके अंदर एक शब्द आया है एंड्रो। एंड्रो का मतलब होता है मेस्कुलाइन, और लॉजी का जो जहीं भी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है टू स्टडी। यानी कि मेडिसिन की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर डील किया जाता है मेल इनफर्टिलिटी, नपुंसकता को, और सेक्सुअल डिसफंक्शन को, उसको अपन क्या कहते हैं, एंड्रोलॉजी कहते हैं। मेस्कुलाइन जो नेचर होता है वो मेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, एंड्रोलॉजी रखा गया है। हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम अब इसकी बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से ऑर्गन हैं उनकी यहाँ पर बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेल सेक्स जो ग्लैंड्स होती हैं, या फिर जो मेल के गोनाड्स होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। इनका काम होता है इट प्रोड्यूस स्पर्म एंड सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। इनका जो मेन फंक्शन होता है ये स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। चले, दूसरा जो ऑर्गन है उसके नंबर उसका नाम क्या है, सिस्टम ऑफ डक्ट्स। यानी कि कुछ ऐसी डक्ट्स पाई जाती हैं जो मिलके एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, जिसमें कौन कौन सी होती हैं, तो बासा डिफरेंसिया होती है, इजेकुलेटरी डक्ट होती है, और यूरेथ्रा होता है। अब ये जो डक्ट्स का एक सिस्टम बनता है इनका काम क्या होता है, तो ये देखिए, स्टोर करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, और उनके मैच्यूरेशन में हेल्प करती हैं स्पर्म के, ठीक है। जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं कहाँ पर, टेस्टिस के अंदर, उनको स्टोर करके रखती हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनको यानी कि टेस्टिस से और यूरेथ्रा तक पहुँचने के लिए जो मार्ग की जरूरत पड़ती है, जो पथ की जरूरत पड़ती है, उस पाथ को प्रोवाइड कराती हैं, और उनके मैच्यूरेशन में भी हेल्प करती हैं। तीसरे नंबर पर आती है एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड्स, यानी कि कुछ ऐसी प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स के अलावा कुछ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि हेल्पफुल होती हैं, जिनमें कौन कौन सी होती है, सेमिनल वेसाइकल्स होती हैं, प्रोस्टेट होती है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती हैं। ये तीन ग्लैंड्स होती हैं जो एसेसरी होती हैं, यानी कि सहायक होती हैं। इनका काम क्या होता है, तो एक सीमन का जो लिक्विड पोर्शन होता है, यानी कि लिक्विड वैसे सॉलिड पोर्शन होता है, लेकिन उनका जो जो सीमन है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन करता है, ये हेल्प प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि जो सीमन है वो 90% जो आप देखते हो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, किसकी वजह से होता है, इन ग्लैंड्स के जो सिक्रेशन होता है उसके साथ सीमन जो है मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, सीमन कहलाता है। बाकी जो स्पर्म है वो डायरेक्ट निकलते हैं कहाँ से, टेस्टिस से। इसके बाद होता है कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कौन सा है, स्क्रूटम है और एक पीनस है। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं किसको, टेस्टिस को, यानी कि टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। और पीनिस क्या होता है, हमारा यूरेथ्रा भी होता है और मेल मेन सेक्स ऑर्गन भी होता है। इसके अलावा और क्या काम है इनका, तो ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके इसके अलावा डिलीवर स्पर्म टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, यानी कि मेल जो रिप्रोडक्टिव जो चीज़ है, जैसे स्पर्म है अपना, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुँचने का काम कौन करता है, तो जो पीनस होता है वो एक तरीके से नली के रूप में काम करता है, एक पाथ प्रोवाइड कराता है, टेस्टिस के अंदर बने स्पर्म उनको पहुंचना का है, फीमेल के अंदर पहुंचना है, फीमेल की जो सर्विक्स होता है वहां तक पहुंचना होता है। उसके बाद वो आगे खुद गति करके चले जाते हैं, गति करने के बाद फेलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन जो सर्विक्स है वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, तो वो काम कौन करता है, पीनस करता है, ठीक है। और स्क्रोटम क्या करता है, उन जो आपके टेस्टिस हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नंबर पर हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं वो पहला ही नंबर हमारा क्या आने वाला है, स्क्रोटम की अपन बात करेंगे। ये क्या होता है, एक पाउच जैसे सैक होता है, पाउच जैसे स्ट्रक्चर होती है जो टेस्टिस को सपोर्टिंग देने का काम करता है। एक्सटर्नली हम बात करें तो स्क्रोटम बिल्कुल एक सिंगल पाउच स्किन का बना हुआ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये सेपरेटेड होता है, एक मीडियन रिज पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। आप देखेंगे जो स्क्रोटम है वैसे तो एक सिंगल पाउच जैसे स्ट्रक्चर है, संरचना होती है, लेकिन हम क्या देखते हैं, इसमें एक मीडियन रिज पाई जाती है जिसे अपन रेफे कहते हैं, जिसके द्वारा ये क्या रहता है, दो पार्ट्स के अंदर सेपरेटेड रहता है।
स्क्रोटम के अंदर मेनली दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होती है सेप्टम, द मेड ऑफ डाल्टोस मसल्स, यानी कि जो डाल्टोस मसल्स होते हैं उसके द्वारा ये सेप्टम बनी हुई होती है, जो स्क्रोटम को अंदर से इंटरनली डिवाइडेड द स्क्रोटम इंटू टू सेक्स, यानी कि अंदर से उस स्क्रोटम को दो पार्ट्स के अंदर क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है। वैसे तो एक बाहर से देखेंगे तो कम्प्लीटली एक पाउच दिखाई देता है, लेकिन अंदर से एक बहुत पतली परत होती है जो उसको अंदर से कैसे दो भागों में बांट के रखती है। दूसरे नंबर पर आती है कौन सी, स्पर्मेटिक कॉर्ड। दूसरे नंबर की जो मसल्स होती है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होती हैं, कॉर्ड बाई विच द टेस्टिस इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल इंग्यूइनल रिंग, यानी कि कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमिनल इंग्यूइनल रिंग से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है ये कंटेन करके रखते हैं क्री मास्टर मसल्स को, यानी कि ये जो बनी हुई होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ये किससे मिलकर बनी होती है, क्री मास्टर मसल से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, आगे बात करें स्क्रोटम की, तो देखिए जो डाल्टोस हैं और जो क्री मास्टर मसल्स होती हैं ये कॉज टू मूव द टेस्टिस क्लोजर टू पेल्विक कैविटी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। ये क्या करती हैं, टेस्टिस को हमारी जो पेल्विक कैविटी होती है उसके कितने पास रखना है, उसको कितने दूर रखना है, इसको जो इन्वायरमेंट के हिसाब से जो टेम्परेचर मेंटेन करना है उसमें हेल्प करती हैं। जैसे समझने के लिए आप समझिए कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं है, यहाँ पे जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकता, इसलिए उनको क्या रखा गया है, हमारी बॉडी से बाहर की तरफ रखा गया है। अब क्या होगा कि जैसे बाहर की तरफ क्या हो गई, गर्मी इंक्रीज हो गई, यानी कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो अंदर का तापमान क्या होता है, कम होता है, तो स्क्रोटम क्या चले जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर जो पाउच है हमारे जो रेस्ट हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाते हैं जिससे टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। और सर्दी के दिनों में क्या होता है कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो वो क्या चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो गर्मी में क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बात करें, देखिए तो स्पर्मेटोजेनिक कॉल्स रिक्वायर टेम्परेचर लेस देन 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कोर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो स्पर्मेटोजेनिक होती है, अभी मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होती हैं जो स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, इनके लिए टेम्परेचर चाहिए हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, स्वेलिंग इन टू स्क्रोटम ड्यू टू डायलेशन ऑफ द वेन्स दैट कैरीज द ब्लड फ्रॉम द टेस्टिस कॉज वेरिकोसील्स। ठीक है, वेरिकोसील यानी कि स्क्रोटम के अंदर यदि सूजन आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, किसकी वजह से, जो वेन के अंदर डायलेशन हो गया है, और वो वेन जो ब्लड को लेके आ रही है कहाँ से, टेस्टिस के लिए, उसे अपन क्या कहते हैं, वेरिकोसील कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रोटम अपना कंप्लीट हो गया, दूसरे स्ट्रक्चर पर हम आते हैं, वो कौन सा है अपना, टेस्टिस है, या फिर जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मेल के गोनाड्स भी कहते हैं। देखो टेस्टिस जो हैं वो पेयर्ड के अंदर पाए जाते हैं, ओवल शेप होते हैं और क्या होते हैं, ग्लैंड होती हैं जो लोकेटेड रहती हैं कहाँ पर, स्क्रोटम में, यानी कि एक हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं, टेस्टिस को अपन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। आगे बात करें, यदि इनके डायमीटर की बात करते हैं तो 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इनकी, कितनी, लगभग 5 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो 10 से 15 ग्राम होता है ईच टेस्टिस, तो दोनों टेस्टिस में कितना होता है, लगभग 20 से 30 ग्राम होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं डेवलप होते हैं कहाँ पे, नियर द किडनी इन द एब्डोमिनल कैविटी, एंड देन यूज एंड दे यूजुअली बिगेन देयर डिसेंट इन टू द स्क्रोटम थ्रू द इनगुइनल कैनाल ड्यूरिंग द 7th मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट। यानी कि यदि कोई आपसे पूछे कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है बिल्कुल किडनी के पास। ठीक है, जहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किडनी का डेवलपमेंट होता है, सेम जगह पे क्या डेवलप होते हैं, स्क्रोट सॉरी जो हमारे टेस्टिस हैं वो भी डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये वहीं पे होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 7वें मंथ के अंदर चला जाता है या 7वें मंथ उसका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्क्रोटम में ये चले जाते हैं। स्क्रोटम में जाने के लिए कौन सी कैनाल काम आती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इनग्विनल कैनाल्स होती है जिसके द्वारा ये स्क्रोटम सॉरी एब्डोमिनल से कहाँ चले जाते हैं, स्क्रोटम के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और जाने का कारण आपको बता दिया मैंने कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो स्पर्म प्रोटेक्शन की जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, उसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमारी कोर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट डिसेंट अकर जस्ट ब्रोथ, यानी कि जाने लगते हैं वहाँ पे, लेकिन जब कंप्लीटली जब ये जाते हैं कब, जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे की और जब बर्थ होने वाला होता है उसके जस्ट पहले। इफ मेल चाइल्ड इज बोर्न विद अनडिसेंटेड टेस्टिस दिस कंडीशन कॉल्ड क्रिप्टोक्राइडिज्म, क्रिप्टोक्राइडिज्म। ठीक है, यानी कि बाई चांस एक बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से पहले ये कहाँ चले जाने चाहिए थे, स्क्रोटम के अंदर चले जाने थे, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है जो मेल चाइल्ड हुआ, मेल बेबी हुआ, उसके अंदर क्या देखा जाता है कि टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से स्कॉटम के अंदर आ ही नहीं पाते, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं। ठीक है, क्रिप्ट का मतलब होता है हिडन और काइडिज्म का मतलब होता है टेस्टिस, यानी कि जो टेस्टिस है वो हिडन है। हिडन क्यों है, क्योंकि वो एब्डोमिनल से स्कॉटम के अंदर नहीं आए हैं। ठीक है,
3% फुल टर्म और 30% प्री मेच्योर इन्फेंट, वो भी विद अनडिसेंटेड टेस्ट। यानी कि बहुत कम ये नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, 3% ही ऐसा होता है, और 30% प्री मेच्योर बोर्न इन्फेंट जो बॉर्न होते हैं वो इनके अंदर ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बाइलेटरल क्रिप्टोकाइडिज्म मे रिजल्ट इन टू स्टेरिलिटी ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एट हायर टेम्परेचर इन टू बॉडी। अब यहाँ में इसमें भी देखिए क्या चीज़ होती है कि कई बार कंडीशन ऐसी बनती है कि एक टेस्टोस्टेरोन बाहर आ गया स्क्रोटम के अंदर लेकिन एक नहीं आया, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यदि दोनों ही टेस्टिस जो है वो बाहर नहीं आया स्क्रोटम के अंदर, दोनों ही कहाँ रह गए, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह गए, तो उस कंडीशन को अपन कहते क्या है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है बाइलेटरल क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है। ये क्या बनता है, स्टेरिलिटी का कारण बनता है, यानी कि बच्चा जो है वो बिल्कुल नपुंसक पैदा होगा, यानी कि बिल्कुल ही कैसा पैदा होगा, नपुंसक, उसके अंदर कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, किसकी वजह से, हायर टेम्परेचर उसकी बॉडी के अंदर रहता है, इस वजह से कभी भी वो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 80% ऑफ बॉयज विद क्रिप्टोकाइडिज्म विल डिसेंडेंट देयर टेस्टिस स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। यानी कि जो 80% बॉयज़ जो होते हैं वो उनके जन्म के लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये जो टेस्टिस हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, बाई चांस नहीं आ पाते तो फिर वो क्या होता है वो देखिए। वेन द टेस्टिस रिमेन अनडिसेंडेड द कंडीशन कैन बी करेक्टली सर्जिकली बिफोर 18 मंथ ऑफ एज, एंड दिस सर्जरी कॉल्ड ऑर्कियोपैक्सी और ऑर्कियोरेफी। देखिए 80% जो बॉयज़ होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस एब्डोमिनल से स्क्रोटम के अंदर नहीं आए थे, तो उनके 1 साल के अंदर अंदर वो चीज़ आ जाती है, बाई चांस मान के चलिए 1 साल के अंदर नहीं आती है, तो 1.5 साल के अंदर सर्जरी के द्वारा उनको नीचे लिया जा एब्डोमिनल से कहाँ लाया जाता है, स्क्रोटम के अंदर लाया जाता है, ठीक है। और इस जो सर्जरी के द्वारा ये चीज़ की जाती है उस सर्जरी को क्या कहते हैं, ऑर्कियोपैक्सी कहते हैं या फिर ऑर्कियोरेफी कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड ऑर्काइटिस, यानी कि जो टेस्टिस के अंदर यदि इन्फ्लामेशन आ गई है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, ऑर्काइटिस कहते हैं। आगे बढ़िए, एंड्रोपॉज और मेल मीनोपॉज। फीमेल के अंदर मीनोपॉज का मतलब होता है कि उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका रुक जाना, ये क्या कहलाता है, मीनोपॉज कहलाता है। लेकिन मेल के अंदर भी एक मीनोपॉज कंडीशन बनती है जिसे अपन एंड्रोपॉज भी कहते हैं। ये क्या होता है, द फिजियोलॉजिकल और फिजिकल सॉरी द साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर इन एजिंग मैन बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज इन मेल हॉर्मोन्स। यानी कि आप देखते हो जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती जाती है तो उसके हॉर्मोन्स के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एंड्रोपॉज आ जाता है या फिर मेल पॉज आ जाता है, यानी कि उनकी जो इनफर्टिलिटी वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, और जो उनकी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे कम हो जाती है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, एंड्रोपॉज कहा जाता है या फिर मीनोपॉज कहा जाता है। अब अपन देखेंगे किसके बारे में, ये जो टेस्टिस होते हैं इनकी तीन स्ट्रक्चर सॉरी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहले नंबर पर होती है कौन सी, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। ये इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है विच इज़ डेराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम ड्यूरिंग डेसेंट ऑफ टेस्टिस। यानी कि ये इनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो पेरिटोनियम से डेराइव्ड होती है जब टेस्टिस का डिसेंट हो रहा होता है उस टाइम पे। ये जो लेयर होती है कंसिस्ट ऑफ पेराइटियल एंड विसरल लेयर वाई मीजोथेलियल सेल्स, ठीक है। ये जो लेयर्स होती है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, पेराइटल और विसरल लेयर्स जो है वो मीजोथेलियल सेल्स के द्वारा बनी हुई होती हैं। आगे बढ़ें, कलेक्शन ऑफ सीरस फ्लूइड इनटू ट्यूनिका वेजिनेलिस कॉल्ड हाइड्रोसील। यानी कि जो सीरस फ्लूइड होता है वो ट्यूनिका वेजिनेलिस जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है इसके अंदर यदि क्या हो जाए, कलेक्शन हो जाए सीरस फ्लूइड का, तो इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोसील कहते हैं। नॉर्मल भाषा के अंदर अपन इसे क्या कहते हैं, अंडकोश के अंदर पानी भर जाना या फिर स्क्रोटम के अंदर पानी भर जाना, इसको नॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। दूसरी जो उसकी लेयर होती है मिडिल लेयर अपन इसे कहते हैं, जो होती है ट्यूनिका एलुजीनिया, ठीक है। दूसरे नंबर की लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एलुजीनिया। ये एक वाइट कैप्सूल होता है बिलो ट्यूनिका वेजिनेलिस, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनेलिस के नीचे की तरफ एक वाइट कैप्सूल जैसी संरचना होती है, कंपोज वाइट डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू। ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, तो जो डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू है उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। दिस कैप्सूल एक्सटेंड इनवर्ड्स फॉर्मिंग सेप्टा एंड डिवाइड द होल टेस्टिस इनटू 200 to 300 रोबल्स। यानी कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजीनिया है ये एक्सटेंड कर जाती है पूरे टेस्टिस के अंदर, ठीक है, और छोटे छोटे क्या बना देती है, सेप्टा बना देती है, छोटे छोटे पोर्शन बना देती है इसके अंदर, और पूरे टेस्टिस को किसके अंदर, 200 से 300 लोब्यूल्स के अंदर क्या कर देती है, डिवाइडेड कर देती है, यानी कि छोटे छोटे खाने बना देती है, ठीक है। ईच लोब्यूल्स कंटेन वन और 1 to 3 टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वर स्पर्म आर वेयर स्पर्म आर प्रोडक्शन। अब जितने 200 300 लोब्यूल्स इसने बनाए थे उन 200 300 लोब्यूल्स के अंदर एक या फिर तीन, एक से लेके तीन तक टाइटली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर ही क्या बनता है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा होता है।
ठीक है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स जो हैं वो कंटेन रखती हैं दो प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें सबसे पहले कौन सी होती हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं, और दूसरी होती हैं सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं किसको, स्पर्म को, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं उनके पास सेवरल लाइक सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फंक्शन लाइक न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन ETC2 स्पर्मेटिव, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। फिर से समझिए आप एक बार, मैं आपको बताता हूँ कि जो दूसरे नंबर की लेयर हो रही है हमारी कौन सी है, ट्यूनिका एलोजीनिया, ये एक वाइट कैप्सूल जैसी संरचना होती है। इस वाइट कैप्सूल जैसी संरचना के अंदर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। जैसे मान चलिए ये टेस्टिस है, ये वाइट कलर का कैप्सूल है, ये वाइट कलर का कैप्सूल क्या करता है, इसको छोटे छोटे सेप्टा के अंदर चेंज कर देता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से 200 से 300 लोब्यूल्स इसके अंदर बना देता है। अब एक जो लोब्यूल है, जैसे मान चलिए ये वाला लोब्यूल है, इस लोब्यूल के अंदर क्या बनती हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो प्रकार की कोशिकाओं में सबसे पहले कोशिकाएं होती हैं स्पर्मेटोजेनिक कोशिकाएं, इनके पीछे शब्द लगा हुआ जेनिक, यानी कि ये जेनेसिस करेंगी किसका, स्पर्म का। दूसरे प्रकार की कोशिकाएं होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, सपोर्ट करने का काम करती हैं स्पर्म को, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, इसके अलावा उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, इसको स्पर्मेटिड्स को, स्पर्म को, जब स्पर्म कम्प्लीटली बनता है उससे पहले क्या बनता है, वो स्पर्मेटिड्स कहलाती है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन इसका यही बनता है कि वे सेल्स कौन सी हैं जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, तो आपको सही आंसर क्या लगाना है, सर्टोली कोशिकाएं। आगे बढ़ें, सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन इनहिबिन। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि टेस्टिस भी क्या है, एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड है तो किसी ना किसी हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, तो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं उनके अंदर उनसे कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, इनहिबिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है। इनहिबिन नाम के हार्मोन का काम क्या होता है, इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, GnRH भी कहते हैं, इस हार्मोन का सिक्रेशन करता है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ऊपर भी मैंने इसका नाम लिया था, शायद आपसे दोबारा बता देता हूँ कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज 65 to 75 days, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो नॉर्मल प्रोसेस चलता है वो कितने दिन के अंदर होता है, 65 से 75 days, यानी कि 2 महीने के आसपास आपको लग जाते हैं स्पर्म बनने में। स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस आर स्पर्मेटोगोनियम टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बाई माइटोसिस, देन प्राइमरी टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बाई मियोसिस, देन इंटू स्पर्मेटिस, देन फाइनली फॉर्म स्पर्म। यानी कि जो स्पर्मेटो जेनेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होती हैं, सबसे पहले क्या बनती हैं, स्पर्मेटोगोनियम बनती हैं। ये क्या होती हैं, एक प्रकार की अनस्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स होती हैं। इनसे आगे क्या बनता है, स्पर्मेटोगोनियम से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, जो प्रोसेस होती है कौन सी, माइटोसिस। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद ये क्या बन जाती हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के क्या बनाती थी, स्पर्मेटिड्स बना देती हैं, और फाइनली ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड से और स्पर्म का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इन विच द स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू अ फंक्शनल स्पर्मेटोजुआन या फिर स्पर्म्स, यानी कि जब तक स्पर्मेटिड्स थे तब तक वो क्या होते हैं, इनफंक्शनल होते हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उनको किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, उनको फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो फंक्शनल स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन होना फंक्शनल स्पर्मेटोजुआ के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। द स्पेस इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैव क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड लीडिंग सेल्स और इंटेस्टिनियल सेल्स विच सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन अ प्रिंसिपल एंड्रोजन, यानी कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं उनके बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्लस्टर्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, लीडिंग्स कोशिकाएं कहते हैं। लीडिंग नाम का साइंटिस्ट था जिन्होंने इस कोशिकाओं को खोजा था, उनके नाम पे इसका नाम रख दिया। इसके अलावा इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, इंटेस्टिनल कोशिकाएं भी कहते हैं। ये कोशिकाएं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो सिक्रेशन करती हैं हार्मोन का, जिस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये एक प्रिंसिपल एंड्रोजन होना होता है, यानी कि एक मेन प्रिंसिपल हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मैस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के लिए, लिबिडो के लिए, सेक्सुअल ड्राइव के लिए, एक मेल के अंदर। ठीक है, एक जो इस पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है वो 30 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है, उसका डायमीटर होता है लगभग 150 से 300 माइक्रोमीटर। टेस्टिस की अपन तीसरी लेयर की बात करते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, इनर मोस्ट लूज लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी हुई होती है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सेजिटल सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस है, और इसके अलावा एपिडाइटिस में ये देख रहे हैं, सबसे ऊपर की तरफ से यहाँ से आ रही हैं इसकी लेयर्स आ रही हैं,
ठीक है, ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, जो कौन सी है, ट्यूनिका एलोवीजिनिया है, ठीक है। फिर इसके अंदर ये दूसरी व्हाइट कलर की क्या है, इसके अंदर एक कैप्सूल जैसी संरचना है, ठीक है, कौन सी है, कैप्सूल जैसी संरचना है जिसका नाम क्या है, ट्यूनिका, सॉरी ये आउटर मोस्ट नहीं, ये बीच वाली, ये व्हाइट कलर का कैप्सूल ही है, व्हाइट कलर की कैप्सूल वाली ये कौन सी है, ट्यूनिका एलोवीजिनिया है, सेकेंड नंबर वाली परत, ठीक है। इसके बाद ये आपने क्या देख लिया, इसके जो छोटे छोटे से क्या बना दिए, सेप्टम बना दिए, छोटे छोटे से पार्ट्स बना दिए, पार्ट्स के अंदर पूरे टेस्टिस को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे किडनी के अंदर क्या बन रहे थे, पिरामिड बन रहे थे, कुछ इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या बन जाते हैं, ये टेस्टिस हमारा बन जाता है। अब प्रत्येक सेप्टा के अंदर, जैसे इस सेप्टा के अंदर एक कॉइल्ड जैसी संरचना पाई जाती है, उस कॉइल्ड नली जैसी संरचना को क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉइल्ड है ये आगे चलकर सीधी खुल रही है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट ट्यूबल्स कहते हैं, ठीक है। बीच में एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं रेटे टेस्टिस, ये इफ्रेंट डक्ट होती है, यानी कि यहाँ से सबसे पहले क्या आ रही है, एपिडाइडमिस आता है, ये कौन सी होती है, इफ्रेंट डक्ट होती है, ये छोटे छोटे सेप्टम हैं। इसके अलावा ये लोब्यूल्स हमें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पूरे पोर्शन को मिलकर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, एपिडाइडमिस कहते हैं। ये एपिडाइडमिस का हेड वाला पोर्शन है, बीच में बॉडी वाला पोर्शन है, और ये टेल वाला पोर्शन है। अब होता क्या है एपिडाइडमिस, वो हमें समझना है। देखिए एपिडाइडमिस हमारे सामने आ गया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। एपिडेडमस पाया पाया कहाँ जा रहा है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। तो ये कहाँ पाया जा रहा है, एक ऑर्गन है जो किसके अंदर पाया जाता है, टेस्टिस के अंदर ही पाया जाता है। देखिए इट इज़ अ कॉमा शेप्ड ऑर्गन अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, ऑर्गन है जिसकी शेप कैसी होती है, कॉमा शेप होता है। लाइज ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस, यानी कि ये जो टेस्टिस का पोस्टीरियर सर्फेस होता है, प्रत्येक टेस्टिस के पास ये पाया जाता है। ईच एपिडाइडमिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइटली कॉइल्ड डक्ट नोन एज डक्ट एपिडाइडमिस, डक्टस एपिडाइडमिस। जो एपिडाइडमिस होती है वो एक सिंगल टाइटली कॉइल्ड डक्ट से मिलकर बनी हुई होती है, उस डक्ट को क्या कहा जाता है, डक्टस एपिडाइडमिस कहा जाता है। ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है यदि इसको स्ट्रेट कर दिया जाए तो। काम क्या होता है, देखिए इट प्रोवाइड साइट फॉर स्पर्म मेचुरेशन, एबिलिटी फॉर मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी विच अकर्स इन 14 डेज, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आपको बताना है कि टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। और कोई आपसे पूछे कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स करती हैं। अगर पूछे कि स्पर्म को प्रोडक्शन सॉरी जो न्यूट्रिशन है वो देने वाली कौन सी कोशिकाएं हैं, तो आपको आंसर देना है सर्टोली कोशिकाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि स्पर्म का मैच्यूरेशन कहाँ होता है, तो राइट आंसर आपको क्या लगाना है, एपिडाइडमिस लगाना है, कि क्योंकि स्पर्म का मैच्यूरेशन, मैच्योर स्पर्म का मतलब क्या होता है, उसके अंदर मोटिलिटी का फंक्शन आ जाए और उसके अंदर फर्टाइल करने का फंक्शन आ जाए। अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसका मतलब क्या है, स्पर्म क्या है, मैच्योर हो गया है, ठीक है। ये होता है लगभग 14 दिन के अंदर। इट ऑल्सो रीअब्जर्व डिजेनरेटेड डिजेनरेटेड स्पर्म, यानी कि कोई स्पर्म मान के चले डिजेनरेट हो गया, खराब हो गया, उसको वापस क्या कर लेती है, रीअब्जर्व ही करने का काम करती है। द टेल ऑफ एपिडाइडमिस कंटिन्यूस एज डक्ट्स या फिर वासर डिफरेंस। अब ये जो एपिडाइडमिस का टेल होती है ये आगे चल के किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वासर डिफरेंसेस के द्वारा, वासर डिफरेंस के अंदर ही क्या चलती है, आगे चलती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डक्टस डिफरेंसिस और स्पर्मेटिक डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, जिसे अपन क्या कहते हैं, वास डिफरेंशिया भी कहते हैं या फिर वास डिफरेंस कहते हैं। देर आर टू टू डक्ट्स डिफरेंस इन मेल विच लेंथ इन 45 सेकेंड्स, यानी कि दो प्रकार की डक्ट्स पर डक्टस पाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की मेल के अंदर, जिनकी लंबाई होती है लगभग 45 सेंटीमीटर। इट्स अ डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन कॉल्ड एम्प्यूला, यानी कि इनका जो टर्मिनल पोर्शन होता है, डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। डक्टस जो डिफरेंस होती है वो स्टोर करती है स्पर्म को, ध्यान रखना, विच कैन रिमेन वेएबल फॉर अप टू सेवरल मंथ, यानी कि कई दिन तक इसको ये अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। आगे बढ़े, द प्रोपल्स स्पर्म फ्रॉम एपिडाइडमिस टू इजेकुलेटेड डक्ट बाई पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि जो स्पर्म बाहर निकलने वाले होते हैं, जो सही स्पर्म होते हैं, वो एपिडाइडमिस से होते हुए कहाँ निकल जाते हैं, इजेकुलेटेड डक्ट में निकल जाते हैं, और मोमेंट कौन सा होता है, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्स्ट्रक्शन के द्वारा। आगे बढ़े, इट लाइंड बाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमुलर एपिथीलियम, यानी कि इसकी लेयर होती है वो लाइंड होती है किसके द्वारा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमुलर एपिथीलियम के द्वारा। इसके बाद हमारे सामने आता है कौन सी, एजेकुलेटरी डक्ट, अगला जो डक्ट आती है वो कौन सी आती है, एजेकुलेटरी डक्ट आती है। इट इज़ 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पेयर्ड डक्ट फॉर्म बाय यूनियन ऑफ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड द एम्प्यूला ऑफ द डक्टस डिफरेंस, इट टर्मिनेट्स इन द प्रोस्टेट यूरेथ्रा, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर लंबी एक पेयर्ड डक्ट होती है जो कि सेमिनल वेसिकल्स बनाती है, ठीक है।
और एम्पुला से मिलकर बनी हुई होती है। एम्पुला ऑफ द डक्टस डिफरेंसेस, ठीक है, ये टर्मिनेट्स होती है किसके अंदर, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के अंदर जाके ये बंद हो जाती है। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में केवल यहीं तक बात करी किसके बारे में, एजेकुलेटरी डक्ट के बारे में। अब अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसेसरी मेल ग्लैंड्स के बारे में, इसके बाद बात करेंगे पीनिस के बारे में, इसके बाद बात करेंगे सीमन के बारे में, इसके बाद बात करेंगे कुछ जो डिजीज़ होती हैं, जो मेल सेक्स सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, देसी प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय।